जो चाहा था हो ही गया वो, अब ना कोई खुशियां रोको, सपनों ने पंख फैलाए रे, मेरे अच्छे दिन है आए रे, मेरे अच्छे दिन है आए रे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में 2019-20 के लिए लेखानुदान पेश किया। लेखानुदान में वृद्धों और किसानों दोनों ही वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। 75 साल से ऊपर के वृद्धों को 1,000 रुपए और किसानों को 750 रुपए पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। गरीब आदमी जो कैंसर, हृदय जैसी बीमारियों का खर्चा नहीं उठा पाता था, उनकी दवाइयों को निशुल्क योजना के तहत अब मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई योजनाओं का पिटारा आम जनता के सामने खोला, वहीं जनहित में कई बड़े बड़े फैसले किए। चलिए आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मुझे सदन को बताते हुए पीड़ा हो रही है कि पिछली सरकार के 5 वर्षों के कुशासन ने राज्य को तरक्की की पट्टी से नीचे उतार दिया है। हमारे पिछले सेवाकाल में हमने ठोस कदम उठाते हुए अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए एक गतिशील आर्थिक ढांचा तैयार किया था। पिछली सरकार की गलत नीतियों और अदूरदर्शी सोच के कारण कई आर्थिक मापदंडों पर हम राज्य पिछड़ गया, चाहे वह आर्थिक वृद्धि दर हो या प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर हो, चाहे वह कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर हो या बढ़ता कर्ज भार, चाहे वह राजकोषीय घाटे की बात हो या ऊर्जा क्षेत्र के कुप्रबंधन की, और सब और विरासत में हमें बेहद चुनौतीपूर्ण हालात मिले हैं। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण एवं अन्य दायित्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मेरी पिछली सरकार को दिसंबर 2008 में विरासत में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के ऋण के अनुपात में 36.38% का भार मिला था। हमारी सरकार अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन से इसे घटाकर वर्ष 2011-12, 12-13 और 13-14 में क्रमशः 24.51, 23.88 एवं 23.58% ले आई थी, परंतु गत सरकार से ये अनुपात पुनः बढ़कर 32% अधिक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में हमारी सरकार के समय तक राज्य का कुल कर्ज भार 1,29,910 करोड़ का था। वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान के अनुसार ऋण और दायित्व लगभग 138% बढ़कर 3,09,385 करोड़ होना अनुमानित है। इस प्रकार गत सरकार राज्य पर एक बड़ा कर्ज भार छोड़ के गई है। हमारे गत कार्यकाल में वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2012-13 तक प्रदेश में राजस्व अधिक के रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति रही तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में फिस्कल डेफिसिट भी 3% से कम रहा, जिसकी सराहना CAG ने वर्ष 2012-13 की राज्य वित्त की रिपोर्ट में भी की है। गत सरकार ने विरासत में सुदृढ़ वित्तीय स्थिति मिलने के बावजूद भी अपने संपूर्ण कार्यकाल में राज्य को निरंतर रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति में रखा। साथ ही पिछली सरकार के समय में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच सही समन्वय नहीं होने से प्रदेश को कई फायदों से वंचित होना पड़ा। मेरे गत कार्यकाल में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 10-11 से 13-14 तक 3% से कम रहा, परंतु गत सरकार के कार्यकाल में 2014-15 से ही ये लगातार 3% से अधिक रहा। राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करना हमारी प्राथमिकता है। वित्तीय अनुशासन लाकर हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 18-19 के बजट अनुमानों में 17,454 करोड़ 75 लाख का राजस्व घाटा और 28,11 करोड़ 21 लाख का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया था। बजट पारित होने के उपरांत
गत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में ही 9,257 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर दिया। यदि इस राशि का प्रावधान बजट में किया जाता तो राजस्व घाटा बढ़कर के 17,454 करोड़ 45 लाख के स्थान पर 26,711 करोड़ 45 लाख एवं राजकोषीय घाटा 37,268 करोड़ से अधिक होता, जो कि जीडीपी का 3.96% है। गत सरकार द्वारा चुनावी लाभ के लिए लुभावनी योजनाओं का क्रियान्वयन बिना समुचित बजट प्रावधान किए जाने से वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने गत 2 माह में इस वित्तीय स्थिति को ठीक करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं और राजस्व राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में हम सफल भी रहे हैं। सदन के समक्ष वर्ष 18-19 हेतु प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 24,824 करोड़ 91 लाख तथा राजकोषीय घाटा 31,472 करोड़ 80 लाख अनुमानित हैं, जो कि संभावित 3.96 से घटकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.41% होना प्रस्तावित है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन की हमारी प्राथमिकता एवं प्रयासों के चलते वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 3% की सीमा में रहना अनुमानित है। पूर्ववर्ती सरकार को गत 5 सालों में प्रदेश की जनता की सेवा करने का सुनहरा अवसर मिला था, उन्होंने इस अनमोल मौके को गंवा दिया। मैं माननीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी सरकार की सोच प्रारंभ से ही सकारात्मक रही है, नीयत बिल्कुल साफ है। हमने हमेशा स्वच्छ त्वरित एवं पारदर्शी शासन के सिद्धांतों पर चलते हुए राज्य में सुशासन की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 माह में लागू किए गए कई बड़े फैसले सुशासन के प्रति हमारे संकल्प के साक्षी हैं। सरकार बनाने से पहले हमने अपने जन घोषणा पत्र में जनता से विकास के जो वादे किए, हमने उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार की बागडोर संभालते ही त्वरित कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। गांधी के कथन पर पूरी तरह विश्वास है कि खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें सामंजस्य हो। साथियों, आप इस बात से सहमत होंगे कि आज भी हमारे अधूरी किसान हैं। सरकार ने केवल सहकारी क्षेत्र के लघु व सीमांत किसानों को 50,000 तक ऋण माफी एवं बड़े अनुपातिक लाभ देने की घोषणा की थी। उस घोषणा को भी 75% वित्तीय भार हमारे सरकार हैं, जो लगभग करोड़ होगा। मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि पिछली सरकार द्वारा इस ऋण माफी के क्रियान्वयन में जल्दबाजी और आवश्यकतानुसार वित्तीय प्रावधान न किए जाने के कारण योजना का लाभ ना तो सभी पात्र किसानों को समय रहते मिल पाया और न ही गंभीर खामियां जो अब उभर कर आ रही है का उचित समाधान सोचा गया। मैंने किसानों के इस दर्द को अपने राज्य भ्रमण के दौरान बहुत नज़दीक से महसूस किया, इसलिए सरकार की बागडोर संभालते ही हमने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसानों के हित में किया। हमने सहकारी क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के किसानों की अल्पकालीन फसली ऋण माफी का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसकी समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए योजना बनाकर उस पर अमल भी प्रारंभ कर दिया है। हमने सहकारी बैंकों के सभी ऋणी किसानों का 30 नवंबर 2018 तक के बकाया संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया है। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है, प्रदेश में पहली बार सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र लघु सीमांत एवं अन्य किसानों का संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ किया जा रहा है। ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित शिविरों का आयोजन 7 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। इस वृद्ध ऋण माफी से 24,40,000 किसानों को लगभग 9,000 करोड़ रुपये एवं पूर्व सरकार के 6,000 करोड़ के ऋणों की राहत मिलेगी। साथ ही हमारी सरकार ने किसानों को की पीड़ा समझते हुए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के 2 लाख तक के अवधि पार कृषि ऋण माफ करने का फैसला भी किया है। इससे जहां एक ओर किसान ऋण भार से मुक्त होकर आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर कर्ज माफी से किसानों के लगभग 4 लाख बीघा
कृषि भूमि रहन मुक्त हो सकेगी। साथ ही हमारी सरकार ने सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य बैंकों के ऋणी किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। हमने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के NPA के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में असमर्थ पात्र किसानों का 2 लाख तक की सीमा का अवधि पार अल्पकालीन फसली ऋण 1-time settlement लागत माफ करने का भी कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, गाँव में खेती के साथ साथ पशुपालन भी रोजगार का मुख्य जरिया है। हमने दुग्ध उत्पादक भाइयों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए मैंने अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना लागू की थी, लेकिन गत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। पशुपालन कल्याण के लिए हमने इस योजना को फिर से शुरू किया है। 1 फरवरी 2019 से राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दुग्ध संकलन कर पर राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख से अधिक सक्रिय दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। गरीब और बेसहारा लोगों को दी जाने वाली पेंशन उनके जीवन व्यापन का एकमात्र सहारा होती है। हमने अपने पिछले सेवाकाल में इन जरूरतमंद लोगों के प्रति उदार एवं संवेदनशील नजरिए अपनाते हुए सामाजिक पेंशन योजना नियमों एवं प्रक्रिया को काफ़ी सरल बनाया था और लाखों योग्य व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई थी, परंतु पिछली सरकार द्वारा की गई उपेक्षा की मार से ये वर्ग भी नहीं बच सका। सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन जैसी कल्याणकारी योजना में भी पिछली सरकार की नीतियाँ राजनीति से प्रेरित रही, लेकिन हमारी सरकार इस जरूरतमंद लोगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में ही बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू कर दी गई है, जिसमें 75 वर्ष से कम आयु के वृद्ध पेंशनर को अब 500 के बजाय 750 रुपये तथा 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के पेंशनर को 750 के स्थान पर 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलने के प्रारंभ हो गए हैं। इस बढ़ोतरी का लाभ लगभग 46 लाख पेंशनरों को मिलेगा एवं इस पर सालाना 1,377 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। हमने विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% बढ़ाकर 4% किया है। हमारी सरकार विशेष योग्यजन वितरण एकल नारी पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेगी। हमारी सरकार ने किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने का अभूतपूर्व कल्याणकारी फैसला लेकर एक अभिनव पहल की है। प्रदेश में पहली बार होगा जब सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को एक समान राशि प्रतिमा उपलब्ध कराई जाएगी। लघु एवं सीमांत श्रेणी में आने वाले कृषक परिवारों की 55 वर्ष इससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष इससे आयु के पुरुष इस पेंशन के हकदार होंगे। इस योजना में 75 वर्ष से कम आयु के किसानों को 750 रुपये और 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के किसानों को 1,000 रुपये प्रति मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने पिछले शासनकाल में वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना प्रारंभ करते हुए राज्य के BPL स्टेट BPL एवं अंत्योदय परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया था। उसके बाद हमने वर्ष 2013 में इन समस्त श्रेणियों के परिवारों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया। इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल BPL स्टेट BPL तथा अंत्योदय परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की जगह पुनः 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध कराने की घोषणा मैं पूर्व में कर चुका हूँ। माननीय सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है और पात्र परिवारों को इसका लाभ 1 मार्च 2019 से मिलना लगेगा। इस योजना से लगभग 1,74,00,000 लोग लाभान्वित होंगे और इस पर सालाना लगभग 115 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी आज प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की भी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग नहीं होने से न सिर्फ उनमें बल्कि उनके परिवार में भी निराशा घर घर जाती है। युवा वर्ग जब तक स्वयं किसी लाभप्रद रोजगार से नहीं जुड़े
तब तक उसे आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसी दिशा में जन घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई है। हमने बेरोजगारी भत्ते में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करते हुए इसे लगभग 5 गुना कर दिया है। पूर्ववर्ती सरकार में पात्र बेरोजगार महिला विशेष योग्यजन आशार्थी को 750 रुपये एवं पुरुष आशार्थी को 650 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमने क्रमशः 3,500 रुपये और 3,000 प्रति माह कर दिया। इस बढ़ोतरी का लाभ माह फरवरी 19 से देय भत्ते पर प्राप्त होगा। योजना से लगभग 1,60,000 युवा लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिसे हम दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी क्रम में बालिकाओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के एक और वायदे को पूरा करते हुए कला विज्ञान वाणिज्य संकायों के स्नातक तथा BA BCom BSc एवं स्नातकोत्तर तथा MA MCom MSc की समस्त छात्राओं को सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसे सत्र 2019-20 से लागू किया जाएगा, जिसमें अब छात्राओं से महाविद्यालय में राजकीय निधि कोष एवं विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय निधि कोष की राशि ली जाएगी। इससे लगभग 2,30,000 छात्राएँ प्रतिवर्ष लाभान्वित होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे पिछले कार्यकाल में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना की गई थी। गत सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। हमने जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार इन विश्वविद्यालयों की पुनः स्थापना हेतु विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर दिए हैं। इन विधेयकों को इसी क्षेत्र में पारित करवाकर इन दोनों विश्वविद्यालयों की पुनः स्थापना की जाएगी, जिससे विधि एवं पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन एवं शोध कार्य को नया आयाम मिलेगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों में संचालित महाविद्यालय भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय से संबंध होकर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से विभिन्न महाविद्यालयों में इन विषयों में दी जा रही शिक्षा में भी एक रूपता लाई जा सकेगी। इस हेतु 16 करोड़ रुपये का प्रदान किया गया है। मेरी सरकार द्वारा राज्य में एक स्काउट आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया था। अध्यक्ष महोदय, जिस पर सरकार ने आवश्यक बजट प्रावधान करके भवन बना दिया था, परंतु पूर्व सरकार ने बंद कर दिया। इस वर्ष इस विद्यालय को पुनः चालू कराया जाएगा। महाविद्यालय में गुणवत्ता विकास एवं संस्थानिक उत्कृष्टता हेतु जिला स्तर पर सहायता के लिए रिसोर्स असिस्टेंट एंड कॉलेज एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कराई जाएगी, जिसके माध्यम से सभी महाविद्यालयों को संसाधन सहायता एवं गुणवत्ता विकास संबंधी कार्य किया जाएगा। इस योजना से सभी महाविद्यालय लाभान्वित होंगे। महाविद्यालय में गुणवत्ता प्रबंधन एवं नियमित मॉनिटरिंग हेतु एनुअल ऑडिटिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा, जिसके द्वारा सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं संस्थानिक उत्कृष्टता का प्रबंधन एवं राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। इस योजना से सभी कॉलेज लाभान्वित होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में जनजातीय क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सराड़ा, उदयपुर, पीपलपुर, प्रतापगढ़ में 4 नवीन आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित 50 सामुदायिक जलोत्थान परियोजनाएं प्रारंभ की जाएगी, जिसमें 1,800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वागड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध तीर्थ गणेश धाम के समग्र विकास के लिए मैं गणेश धाम विकास बोर्ड के गठन की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्य में निवेश प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन और रोजगार परक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मैं एक नवीन औद्योगिक नीति बनाने की घोषणा करता हूँ। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन भी किया जाएगा। पूर्ण पारदर्शिता को ध्यान रखते हुए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता का त्वरित गति से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसे 31 मार्च 2019 तक राज्य के समस्त 2075 के सूखे से प्रभावित किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों का दायरा बढ़ाते हुए कैंसर, हृदय,
श्वास और गुर्दा रोग आदि के उपचार हेतु नई दवाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में रोगियों की सुविधा के लिए राज्य में 600 नवीन दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आमजन को गुणवत्ता युक्त औषधियाँ उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर में राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर फिर चालू किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश देश का प्रथम राज्य होगा जो इस प्रकार की 4 प्रयोगशालाएँ कार्यरत होगी। राज्य में मौसमी बीमारियों एवं संक्रमित रोगों के प्रभावी नियंत्रण एवं संबंधित अनुसंधान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े हुए संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में किसानों द्वारा कृषि प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति जारी की जाएगी। किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने एवं मार्केटिंग व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 17 दिसंबर 2018 को हमारी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिदिन 8,84,930 श्रमिक नियोजित थे, जो 11 फरवरी 2019 को बढ़कर 25,94,468 हो गए हैं। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत 9,894 ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 1 चरागाह विकास, सामुदायिक जलाशय विकास, शमशान कब्रिस्तान विकास, खेल मैदान विकास, व्यक्तिगत जलकुंड टाँका और रोड विद ड्रेनेज के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर फ्री इंटरनेट हेतु अभी तक 8,000 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिन्हें आगामी वर्ष में 20,000 करना प्रस्तावित है। अब तक 3,000 ग्राम पंचायतें वाईफाई की जा चुकी है और शेष रही ग्राम पंचायतों को वाईफाई किया जाएगा। युवा स्टार्टअप के रूप में कोई पहल करना चाहते हैं तो उन्हें प्लग एवं प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने हेतु इंक्यूबेटर्स में सीटों की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 2,000 की जाएगी। माननीय सदन को मैं ये जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान फीडर पंजाब क्षेत्र एवं सरहिंद फीडर के जीर्णोद्धार के कार्य हेतु अभी 20 दिन पहले ही राजस्थान पंजाब एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU हस्ताक्षर हुआ है। इस अनुबंध के अंतर्गत इंजनों के जीर्णोद्धार हेतु 1,976,73,00,000 के कार्य आगामी तीन से चार वर्ष के में संपन्न कराए जाएंगे, जिससे इंदिरा गांधी एवं भाखड़ा प्रणाली किसानों को सिंचाई हेतु बेहतर जल उपलब्ध हो सकेगा। इंदिरा गांधी फीडर मुख्य नहर एवं प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 812 करोड़ कार्य प्रगति पर है, जिससे क्षेत्र के किसानों को ट्रेल तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन आवेदन एवं वन अधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सहभागिता से एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर जायका को प्रस्तुत किया जाएगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉपरेशन एजेंसी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के संक्षिप्त तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्ष 2019-20 में 2,31,654,51,00,000 का कुल व्यय अनुमानित है। इस बजट में राजस्व व्यय 1,90,753,74,00,000 और राजस्व प्राप्तियाँ 1,67,450,67,00,000 अनुमानित की गई है। राजस्व खाते में 23,304,07,00,000 राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा 29,983 करोड़ होना अनुमानित है, जो कि राज्य के अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3% रहने का अनुमान है। राज्य का डेप्ट टू GSDP रेशियो 33.96% रहना अनुमानित है। मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। FRBM एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यमकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण भी सदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
वर्ष 2019-20 का वार्षिक वित्तीय विवरण विधान सभा पटल पर रखा जाना है। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुमान अनुदान की मांग भी प्रस्तुत की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा करवाई जाकर 31 मार्च 2019 से पूर्व वार्षिक बजट पारित करवाया जाना संभव नहीं है। अतः हम वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले 4 महीनों तथा 31 जुलाई 2019 तक के व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7 निर्वाचन, मांग संख्या 27 पेयजल, मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं के राहत, मांग संख्या 36 सक्रियता के अंतर्गत पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है, क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय सामयिक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई 2019 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। मैं लेखानुदान प्रस्ताव को स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ मान्य सदन के अनुमान प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। जो चाहा था हो ही गया वो, अब ना कोई खुशियाँ रोको, सपनों ने पंख फैलाए रे, मेरे अच्छे दिन है आए रे।